अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होपफुली ठीक ठाक होंगे आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अभी ऐसा पता क्या हुआ, मैं ना एडिटिंग करने लगी, जैसे ही मैं बैठी ना, ओए होए, मुझे एकदम ज़ोरों की भूख लगी। इतनी तेज़ भूख है, मैं से ना मतलब नहीं हो पा रहा था। मैं कहा नहीं यार, वॉइस ओवर में जानी नहीं पड़नी है। जल्दी से मैं गई, फ़ौरन से मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया, ठीक है। यहाँ पर गजरेला बना हुआ था, वो भी मैंने प्लेट में डाल दिया थोड़ा सा, और ग्रीन टी बनी हुई थी, पिंक टी, ठीक है, वो भी मैंने ली। मैं अब अपना प्लेटर बनाया, अब मैं करूँगी जी एडिटिंग। अब मज़ा भी तो आएगा ना। हाँ जी, तो व्लॉग बनाते बनाते आपको भूख लग जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं हो जाता। फटाफट जाओ अपना खाना खाओ, फिर काम करो नेक्स्ट। और ये है जी मेरी मॉर्निंग की रूटीन। आज हमने मॉर्निंग में उठे तो भूख को ख़त्म करने के लिए क्या किया, ऑमलेट बनाया मैंने। और ये बहुत ही झटपट सा मज़ेदार सा ऑमलेट बन जाता है। और दो एग लिए थे, एक प्याज टमाटर और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च और धनिया, ठीक है, मसाले अपनी मर्ज़ी के डालो, वही नमक मिर्च हल्दी और क्या। और उसे साथ साथ आप मिक्स करते जाओ, मिक्स करते जाओ, मज़ेदार सा ऑमलेट खाओ पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी, बहुत मज़े का बनता है। और जी ये देखिए मेरी फाइनल लुक तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े का बना था, यम्मी यम्मी सा ऑमलेट। अच्छा, नेक्स्ट क्या था कि चिकन आना था, और चिकन को मैं आपको धोने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। चिकन नहीं दिखा रही, चिकन धोने का तरीका बता रही हूँ कि इसमें ना आपने सिरका डाल देना, ठीक है, और 5 मिनट ना मल के अच्छी तरह से रख देना, जितना एक्सेस ब्लड होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर से रिंस करने के लिए आप ज़बरदस्त है ना बस नलका खोल दें, और जितना पानी एक्सेसिव ब्लड होगा ना सब निकल जाएगा। उसके बाद आपने अच्छी तरह से एक एक पीस को जो है ना वॉश कर लेना है। और मैं मतलब ऐसे रख दिया 5 मिनट, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से मल के चिकन को धो दिया था। एक तो स्मेल भी निकल गई और जो ब्लड था एक्स्ट्रा वो भी निकल गया, और जो चिकन था ना एकदम साफ़ सुथरा सा हो गया था। तो जी यहाँ पे अब नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बनाया था पास्ता। पास्ता में मैंने शेल पास्ता लिया, इसे गर्म पानी में बॉईल होने रख दिया। और देखो बर्तन मैंने खुद धोने थे, मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती यकदम यकदम एक एक पतीली में उबालूँ। तो मैंने क्या किया, जल्दी से पास्ता लिया, उसी में मटर थोड़े से डाले, उसी में चिकन डाला और इन्हें बॉईल कर दिया, क्योंकि दोनों तीनों चीज़ों का जो कुकिंग टाइम था ना वो सेम ही था, तो मुझे 3 बर्तन गंदे करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। मैंने क्या किया, मैंने सारा कुछ इसी के अंदर मिक्स किया, और उसके फ़ौरन बाद जैसे ये बॉयल हो गया, डन हुआ, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था, बाकी पकना तो सारा कुछ इकट्ठा ही था ना। तो मैंने जी अपना एक रेसिपी तैयार कर ली झटपट सी। यहाँ पे धनिया जो है ना मैं इस तरह से सारा काट के ना हम लोग रख लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको कन्वीनियंट हो जाता है जब आपको जल्दी से कहीं डालना पड़े ना, वरना धनिया आपको पता है हाथों पे इतना चिपक जाता है कि बंदा काम करते करते अपने आप से लड़ने लग जाते हैं यार, कि धनिया के पत्ते ही ना चिपक गए हैं। सीरियसली मेरे साथ ऐसा ही होता है, आपका पता नहीं मुझे। खैर यहाँ पे मैं धनिया जो है वो रख दूँगी, जब तक चलेगा सो चलेगा, फिर नहीं तो और ला के फिर और काट के इसी डब्बे में। और मिर्चों का भी यही हिसाब है, मिर्चें भी धो के टिश्यू पेपर की लाइनिंग करके आप उसमें जो है ना डब्बे में डाल के स्टोर कर लो, आपकी जो मिर्चें हैं ना वो भी ख़राब नहीं होती हैं। और आप लोग का आज का दिन कैसा रहा शेयर कर लिया करें, और मैं आप लोगों से अपना डे शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जी उसी बर्तन में कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल, सिरका, चिली सॉस, केचप, काली मिर्च, नमक, जो चीज़ें होती है ना पास्ता के इंग्रेडिएंट्स सभी मैंने ऐड करके इसमें शिमला, अच्छा ये मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से डाला है और ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं वेजिटेबल खाते, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा कलर ब्रेकिंग हो जाएगी पास्ता की, अदरवाइज़ ना वो हो जाता है बिल्कुल एक जैसी। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी बनाती हूँ तो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी इसके अंदर, और वो बन जाएगा बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता, और बच्चों ने फुल इन्जॉय करके खाया माशाल्लाह से। अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसी के अंदर जो है ना हमने सारी रेसिपीज़ डाल देनी है, सॉरी रेसिपीज़ कह रही हूँ, दिमाग कहीं और, उसी के अंदर ना हमने सारी की सारी वो जो होते हैं ना स्पाइसेस ऐड कर देने कढ़ाई के अंदर, और उसे मिक्स करके पास्ता अपने ऐड करना है। और आपने जो है ना इसे पका लेना 5 मिनट के लिए चूल्हे पे, देखें कितनी क्रीमी सॉस बन गई है ना इसके अंदर, रेड सॉस के अंदर आपने सारा पास्ता डाल के पका के और अपने बच्चों को सर्व कर दो, खा लेंगे, सच में खाएंगे बड़े मज़े से। और मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट, आज जुमा है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
न्यू सूट पहना है और बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में जी क्या है कि ये मेरा पास्ता तैयार हो चुका हुआ है और यहाँ पे मैं इसे डिश आउट कर दूँगी इस बर्तन के अंदर, ताकि बच्चों को ना बार बार कढ़ाई में से तो नहीं वो निकाल सकेंगे, तो इसमें ना डिश आउट करके रख दूँगी तो वो यहाँ से लेंगे और आराम से खा लेंगे, क्योंकि उन्हें खुद से जब भूख लगती है ना फिर वो मुझे कहते रहते हैं, और फिर मेरे से ना समटाइम्स सुस्ती ऐसी हो जाती है मुझे नहीं भी उठा जाता, तो मैं कहीं दूर हूँ या बिज़ी हूँ तो फिर बच्चे खुद ही ओवन में गर्म करके तो चीज़ खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं मैं वो, और बस कोई इसके अलावा ख़ास नहीं आज की रूटीन थी। हाँ और आज बच्चों की थी जी ऑनलाइन क्लास, फाइनली अब मुझे क्लिप आया तो याद है आज बच्चों की थी ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पे मैंने उन्हें ना सुबह जब उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी 8 बजे मैंने उसे अंडा ब्रेड ना दोनों बच्चों को खिला दिया था उधर जल्दी से, क्योंकि उनकी क्लास थी और आज कोई ब्रेक नहीं थी उसमें, तो यहाँ पे इस टाइम उन्हें भूख लगी थी तकरीबन ये है 10 बजे का टाइम, तो यहाँ पे मैं उन्हें ना नगेट्स बना के दे दूँगी और बाकी जो फीडर वगैरह रहते हैं ना वॉश होने वाले वो, और मशीन तो लगानी नहीं थी जुमा था, तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना जल्दी से बच्चों के लिए नगेट्स बनाने के लिए रख दिए, और खुद मैंने ऐसे ही थोड़ा सा एक रैंडम क्लिप शूट कर लिया था। और अब इसके साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मेरी वीडियो कोई बंदा भी फुल नहीं वॉच कर रहा, मैं सबको देख रही हूँ सब मुझे पता चल रहा है अच्छा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लिया करिए, जो 1-2 मिनट वाले भी नहीं है ना मुझे सबका पता है ठीक है, कमेंट आप लोग पूरे पूरे करते हैं और वीडियो कोई भी नहीं आप लोग देखते मेरी, खैर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, और स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।